आप सब लोगों को नमस्कार। आज हमारे बीच में होलसेलर्स भी हैं, सब होलसेलर्स भी हैं और रिटेलर्स भी हैं। और आज हमारे नौशाद साहब ने एक मौका दिया है आप सबके साथ बात करने का। और आज दोपहर को जब नौशाद साहब से बात हो रही थी तो उनके तो काफ़ी ऐसे अरमान हैं कि वॉकरों को 5,000 करोड़ के टर्नओवर पे बहुत जल्द लेके जाना है, और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि आज वॉकर जो है वो एक कंपनी अपने मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। उसमें से सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सपेरिमेंट। आज आप सब जानते हैं और शायद मेरी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे कि आज टेक्नोलॉजी जो है वो हम सब लोगों के लिए एक बेहद ज़रूरी चीज़ है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं सर? तो आज जो टेक्नोलॉजी है, पहले हम लोग क्या करते थे होलसेलर, आपको मालूम है सर, बिल बुक में हम लोग पेन से बिल बनाते थे और कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करते थे, टोटल करते थे, बिल फाड़ के देते थे। लेकिन आज आप लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी से ज़्यादा लोग कंप्यूटराइज हो गए हैं और अपने ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करते हैं। आने वाला जो वक्त है वो और आगे बढ़ाएगा हमको, और आगे चल के और बहुत सारे हमको मैनेजमेंट सिस्टम्स लेके आने पड़ेंगे बिजनेस में। और इसी तरफ जो पहला कदम उठाया वॉकरों ने, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने कोशिश की, बाटा ने कहा कि हम DMS लगाएंगे, रिलैक्सो ने कहा DMS लगाएंगे, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं नौशाद साहब, मनोज और वॉकरू टीम को कि दीज आर द फर्स्ट पीपल टू डेवलप DMS। जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये जो DMS सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैनेजमेंट, ये एक्चुअली बहुत सारा करोड़ों रुपए खर्च करके इन लोगों ने ये सिस्टम बनाया। और इस सिस्टम के फायदे क्या हैं, जैसे हमारे पास इन्होंने एक कंपनी को हायर किया है जिसका नाम है वेक्टर, वेक्टर फ्लो एक ऐप है, अपने आप में एक ऐप है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वेक्टर फ्लो जो है एक ऐप है। और इन्होंने क्या किया, वो वेक्टर वालों को जब हमारे पास पहले भेजा और उन्होंने जो हमको समझाया, जैसे आपको मालूम है पिक्चर बनाने के पहले जो स्क्रिप्ट है वो एक एक्टर को सुनाई जाती है कि भाई ये स्क्रिप्ट है और ऐसे पिक्चर बनेगी। तो जब उन्होंने हमको समझाया कि DMS क्या चीज़ है और इसके क्या क्या फायदे हैं आगे चल के, तो हमको बेहद खुशी हुई। और हम लोगों ने सबसे पहले हमने अपनी हामी दी कि आप सबसे पहले इसको JK फुटवेयर में लागू कीजिए, और JK फुटवेयर में ये बहुत सक्सेसफुली लागू हो गया। आज हम लोग DMS पे काम कर रहे हैं और इसके फायदे ऐसे हैं कि जब हमारा स्टॉक है, पहले हमको अपने स्टॉक का खुद पता नहीं चलता था, या जितने भी यहाँ पर होलसेलर हैं शायद मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि हम लोग अपने जो सेल्समैन हैं या फिर सेल्स बॉयज हैं उन पे हम लोग डिपेंडेंट थे कि भाई रोज कस्टमर को देखो क्या आइटम चाहिए और रोज अपना एक ऑर्डर बना के आप कंपनी तक पहुँचाइए। तो जो भी आदमी था वो एक ऑर्डर बनाता और कंपनी तक पहुँचाता और वही माल हमको यहाँ पर कंपनी भेज देती थी। लेकिन जिस दिन वो हमारा सेल्समैन छुट्टी ले लेता था, हमको मालूम नहीं है क्या माल फिर ऑर्डर करना है, किस माल को ऑर्डर देना है कंपनी को, हमको नहीं मालूम है। फिर कोई दूसरा लड़के को जाएंगे वो ऑर्डर देगा, कुछ गलत माल आ जाएगा, हमारे पास कुछ माल आके डेड स्टॉक भी पड़ सकता था और पड़ता था। अब यहाँ पर वेक्टर फ्लो में क्या हुआ, जब ये DMS लगा, सबसे पहले हम लोगों ने अपना स्टॉक लिया, स्टॉक कंप्यूटराइज ले लिया, स्कैन कर लिया। आज आपको मालूम है वॉकरों के हर बॉक्स के ऊपर आपको एक QR कोड आता है, और वो QR कोड ही आगे जाके हम सबके लिए काम आएगा। वो QR कोड को जब हम स्कैन करते हैं तो वो आपके सिस्टम में आके बैठ जाता है। और यही हम लोगों ने अपने यहाँ पर किया कि जितना भी हमारे पास स्टॉक था, कलर वाइज, साइज वाइज, आर्टिकल वाइज, MRP वाइज हमारे सिस्टम में आ गया। तो हमको मालूम पड़ गया कि हमारे पास क्या क्या स्टॉक है कलर वाइज, साइज वाइज, वो हमारे DMS पे जब आ गया तो इन लोगों ने क्या किया, एक बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया। जैसे आप देखते हैं ट्रैफिक लाइट्स होती है ग्रीन, ऑरेंज, रेड, तो उसमें ग्रीन का मतलब क्या है, आपको वेक्टर फ्लो उसमें दिखाता है कि ग्रीन का मतलब हमने कुछ नॉर्म्स सबसेट कर दिया कि 1030 आर्टिकल ब्लैक,
हमारे पास मिनिमम 6 साइज का इतना, 7 का इतना, 8 का इतना, 9 का इतना, 10 का इतना होना चाहिए। तो तब क्या होता है, नॉर्म सेट हो जाते हैं। तो जब आपका जब माल बिकता है, 6 के अगर आपके पास 100 पेयर का नॉर्म है और 50 बिक गए, अगले दिन कंपनी आपको वो 50 पेयर रिप्लेस कर पाए, तो वो 50 पेयर आपको नेक्स्ट डे माल कंपनी भेजता है, क्योंकि कंपनी को मालूम पड़ गया कि आपके पास क्या माल बिका है। तो जब कंपनी वो DMS में जाके देखती है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये रेड, ग्रीन और येलो। ग्रीन का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास सफिशियंट स्टॉक है इस आइटम का। ऑरेंज का मतलब है कि अब ये कम होते जा रहा है और इसको हमको कैसे रिप्लेनिश करना है। लेकिन जब रेड में आ जाता है, रेड का मतलब है डेंजर जोन, कि अब इस माल की तुरंत जरूरत है डिस्ट्रीब्यूटर को, माल रेड पे आ गया, और उसके बाद कंपनी को वो रेड का माल इमीडिएटली देना ही पड़ता है। तो अगर कंपनी रेड का माल नहीं देती है तो क्या होता है, इसमें दो कैटेगरी नेक्स्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक क्या है, ब्लैक वो है कि रेड में आने के बावजूद भी अगर कंपनी आपको माल सप्लाई नहीं करती है तो वो ब्लैक में आता है, मतलब आपका स्टॉक जीरो है, आपके पास स्टॉक नहीं है, तो वो ब्लैक में आ गया। तब आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये ब्लैक का माल इतना आइटम है, आपने हमको माल ही नहीं दिया, और वो माल हम रिटेलर तक नहीं पहुंचा पा रहे। और व्हाइट का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कंपनी ने कुछ हमारे स्टॉक से ज़्यादा माल भेज दिया जिसका हमने ऑर्डर नहीं दिया और गलती से भी माल आ गया, या आपके पास कुछ ऐसा माल पड़ा जो 3 महीने से आपके पास बिल्कुल नहीं बिका, तो व्हाइट में दिखाता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लैक का मतलब है कंपनी का होलसेलर को प्रोटेक्शन, और व्हाइट का मतलब क्या है कि हमारे को जागरूकता आती है कि हमारे पास कितना डेड स्टॉक अंदर पड़ा है और इसको कैसे क्लियर करना है। तो ये सिस्टम जो है एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जिसमें क्या होगा, आपका डेड स्टॉक मिनिमाइज हो जाएगा, आपके पास डेड स्टॉक नहीं रहेगा, जरूरत का माल आपको आएगा, आपका जितना नॉर्म्स आपने सेट किया है उतना ही आपका माल आपके गोडाउन में रहेगा, और आपको हर गोडाउन में कौन से साइज का, कौन से कलर का, कितना स्टॉक पड़ा है, ये आपको डे टू डे रिपोर्ट आपके वेक्टर फ्लो में वो ऐप में दिखाएगी। तो ये तो हो गया होलसेलर की बात। अभी होलसेलर के पास अगर ये सिस्टम आ गया और अगर ये सक्सेस हो गया तो इसका मतलब बेनिफिट किसको होगा, रिटेलर को होगा। क्योंकि रिटेलर का क्या होगा, जो हमको ऑर्डर देता है, कभी कभी हमारे लड़के जो हैं, ऑर्डर आता है, कभी कोई कार्टून से माल निकाला, कभी नहीं निकाला, कभी दिया कभी नहीं दिया, लेकिन जब आपका ऑर्डर आ गया DMS में, पिक लिस्ट अगर उसका बन जाता है तो पूरा, अगर 100 पेयर का पिक लिस्ट है, पूरा 100 पेयर रिटेलर को पहुंचता है। अब इसका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक SFA ऐप इन लोगों ने किया है। ये तो आप होलसेल, एक होलसेल पॉइंट तक तो कंफर्टेबल हो गया रिटेलर को सर्विस करने के लिए, लेकिन बहुत सारे हमारे DSO हैं, जैसे हमारे सेल्स ऑफिसर हैं, हर होलसेलर्स के सेल्स ऑफिसर हैं जो मार्केट में जाते हैं रिटेलर के पास, आज उनको भी नहीं मालूम कि हमारे गोडाउन में क्या माल पड़ा, मानते कि नहीं बात आप, तो वो जाते हैं रिटेलर के पास, सिर्फ ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब अगले दिन वो ऑर्डर हमारे यहाँ आता है उसमें आधा माल भी नहीं मिलता, बिकॉज जब वो मार्केट में है उसी वक्त हमारे पास कितना माल लिक्विडेट हो जाता है हमारे गोडाउन से, तो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जब SFA ऐप आ जाएगा तो उनके पास एक क्लैरिटी होगी, क्योंकि DMS के द्वारा उनके SFA ऐप में वो लाइव स्टॉक दिखाएगा, क्या क्या स्टॉक गोडाउन में, अगर कुछ गोडाउन में स्टॉक कम हुआ है DMS में कम हो जाएगा, SFA ऐप में भी कम हो जाएगा, और उनको लाइव स्टॉक नजर आएगा, भाई ये लाइव स्टॉक गोडाउन में है, और अगर वहां पर रिटेल पॉइंट पे वो ऑर्डर लेके वहां पर पंच करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमारे DMS में आके आ जाता है और वो स्टॉक उस रिटेलर का ब्लॉक हो जाता है और वो स्टॉक रिटेलर को अगले दिन जरूर मिलेगा। तो ये एक SFA ऐप का बहुत बड़ा फायदा है। अब SFA ऐप खत्म, नेक्स्ट इन्होंने एक आपको रिटेलर ऐप भी देने का सोचा है, जैसे नौशाद साहब ने बोला कि रिटेलर ऐप जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है। आपके हाथ में हमारा शोरूम या हमारा गोडाउन आपको दे दिया, हमने रिटेलर को दे दिया, तो आपको हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है स्टॉक चेक करने के लिए, आपको आपके शोरूम में बैठे बैठे JK फुटवेयर या किसी भी दूसरे होलसेलर के पास क्या स्टॉक पड़ा है आप चेक कर सकते हैं।
आप अपने प्रेफर्ड होलसेलर के पास जा सकते हैं, उसी ऐप में वहीं पर जाके हमारे गोडाउन में क्या स्टॉक है वो आप इमीडिएटली चेक कर सकते हैं और उधर ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वही ऑर्डर जो है आपका ब्लॉक हो जाएगा और वो माल आप तक अगले दिन जरूर पहुंचेगा। तो आपको श्योर है कि ये माल जो मैंने ऑर्डर किया है, ये जो ऑर्डर पंच किया है, ये माल जरूर आएगा। तो ये क्या हो जाता है, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आज क्या है कि कुछ आइटम्स आपको चाहिए लेकिन हमारे पास नहीं है, तो अगर हम नहीं बेचते हैं तो अगले दिन फोन आता है, सर अगर आपके पास वो आइटम नहीं था तो कुछ ऑल्टरनेट बेच सकते थे आप, लेकिन हमको नहीं मालूम आपको क्या ऑल्टरनेट चाहिए। लेकिन जब आप ऐप में जाएंगे और किसी आइटम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्लोजर टू दैट प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग ये रिटेलर ऐप को यूज कीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और आगे चल के इसमें और भी ज्यादा रिपोर्ट्स जनरेट होंगी और ये DMS जो है ये आने वाले टाइम में एक ऐसा हथियार बन जाएगा कि इसकी जरूरत सबको पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि हम जहां जितने भी यहां पर होलसेलर्स हैं सब इस ऐप को इमीडिएटली आप DMS को आप लगाइए ताकि आपका बिजनेस और सिस्टमाइज हो जाएगा। और जितने भी आपके DSO हैं उनको आप एक SFA ऐप दीजिए और रिटेलर्स को भी बोलिए कि जितने से ज़्यादा हो सकता है रिटेलर ऐप को डाउनलोड करें, एंड आई एम श्योर कि आपका जो सिस्टम है वो और अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। एंड मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ वॉकरू टीम को, नौशाद सर को और मनोज जी को और उनकी पूरी वॉकरू टीम को कि इन्होंने ये पहला कदम उठाया है और आई विश देम ऑल द सक्सेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।